अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही हैं, बड़ी सोच समझ के कही हैं, वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से।